हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे है स्वागत, जहाँ पे मैं एके आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट जो दिखाई नहीं देंगे लेकिन सुनाई जरूर पड़ेंगे। अगर आप इस वीडियो पे उड़ते उड़ते आए हैं तो मैं कहूंगा ये वीडियो पूरा खत्म हो जाने के बाद मेरे पहले वाले वीडियोस भी जाकर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपके एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा, जहाँ पे हम है क्रैंकी पर करेंगे रिव्यू फ्रैंकली। अगर आप इस चैनल पे हो नए तो मैं कहूंगा वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटा बजा दो, वरना बाद में भूल जाओगे। मैंने नीचे चैप्टर्स बनाए हुए हैं तो आपके हिसाब से आपको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन मगर किंतु परंतु मैं कहूंगा इस वीडियो को पूरे स्टार्ट से एंड तक देखना या फिर आपको इस वीडियो का लिंक नहीं लगेगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसके बनाता हूँ पार्ट, तो टाइटल में देखना जरूर कि आप कौन सा पार्ट देख रहे हैं। तो बिना कोई बकचोदी के आज के वीडियो का करते हैं हम आगमन। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग देखे नहीं है तो वो जाकर देखना, मेरे ख्याल से ये वाला व्लॉग भी छोटा ही रहेगा और जल्दी खत्म होगा और यहाँ पे मैं 1917 का जर्नी खत्म कर दूंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज के व्लॉग के बारे में मैं क्या बात करूंगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये किसी ने कहा है ना, ये बहुत सही बंदे ने सोच समझ कर कहा है भाई, ऐसा मैं बोलेगा। लेकिन इस मूवी से अगर आपको कुछ टिप लेना है तो ठीक मूवी जब आधी हो जाती है या फिर जब मूवी 50 मिनट क्लियर हो जाते हैं, वहां पे एक सीन दिखाया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और इससे लाइफ में टिप यही मिलेगी आपको, मैं ऐसे कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए कि भले आपके लाइफ में कितने भी हर्डल्स क्यों ना हो, अगर आप किसी को मदद कर सकते हैं तो कर दो, लेकिन कॉशियसली और ध्यान से करना अगर वो आगे वाला बंदा आपका दुश्मन है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि भले दुश्मन एक मुसीबत में क्यों ना फंसा हो तो उसको एक हाथ दो, लेकिन सोच समझ के हाथ दो, सिर्फ देने के लिए हाथ मत दो या फिर फुलिशली मत दो या फिर अनकॉन्शियसली मत दो। दिमाग में ख्याल रखो कि हाँ भाई ये दुश्मन है, इसको मैं मदद कर रहा हूँ लेकिन आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हमेशा ये मत सोचो कि अगर मैंने किसी को हेल्प कर दिया तो कोई भी हो सकता है आपके लाइफ का, आप उनको हेल्प कर रहे हो गुड हार्टेडली हम्बल वे से अगर कर रहे हो तो याद रखना ये बैक स्टार कभी भी कर सकता है। इसलिए ये कहावत बोली गई है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। फोकट का ज्ञान, अब फोकट का ज्ञान देने का मेरे को बहुत बड़ा शौक है, मेरे दोस्तों को भी पता है ये चीज और मैं हमेशा अपने लाइफ में ये पॉइंट ऑफ व्यू से गया हूँ कि भाई तो फोकट में ज्ञान मत बांट, कोई इंटरेस्टेड है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज सुनना चाहते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों से आपको हेल्प होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना कि आपको इससे कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मैं बनाना ही बंद कर दूंगा, अगर होता है तो मैं फिर और ऐसे कुछ अच्छे अच्छी चीजें आपके सामने लेके आऊंगा। तो फोकट के ज्ञान में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मुझे पता है मैं बहुत पुराने व्लॉग में भी ये बोल चुका हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वजह से कि आपके पास अगर कोई चीज करने का कॉन्फिडेंस है या फिर आपके अंदर जिद है, जिद होना बहुत अच्छी बात है और बुरी बात भी है, लेकिन मैं कहूंगा अच्छे चीजों के लिए ही जिद रखो, बुरी चीजों के लिए जिद मत रखो क्योंकि वो आपको ले डूबेगी और ये चीज मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। इसलिए अच्छे चीजों का जिद होना चाहिए, जब आपके पास अच्छे चीजों का जिद होगा तो आपके घर वाले भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में मदद ना करे, पहले उनको वो सही ना लगे लेकिन बाद में वो आपको मदद करने के लिए लगेंगे। आस पड़ोस के लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे लगे कि भाई ये उटपटांग चीज बोल रहा है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, छोड़ दो इसको, इससे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन मगर किंतु परंतु एक समय आएगा जब वो खुद तुम्हें हेल्प करने के लिए नीचे उतरेंगे। क्या तभी उन्होंने तुम्हारा ग्रोथ या प्रोग्रेस देकर आपको मदद करने के लिए उतरे? नॉट नेसेसरी, हो सकता है वो आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा बंदा या बंदी वो उतरी है या उतरा है उस टाइम पे, उतरा है या उतरी है वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर आपके घर वाले मतलब माँ बाप भाई बहन आपके सगे लोग हैं तो फिर वो आपके अंदर कुछ पोटेंशियल देके आपका जिद, अच्छा जिद और आपका मेहनत, उसके अंदर आपका मेहनत होना चाहिए,
वर्क होना चाहिए। अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई मुझे फिट बनना है तो उसके लिए तुझे वर्कआउट करना पड़ेगा या फिर डाइट करके कुछ नहीं होने वाला है, या फिर अगर तुम बोलोगे कि भाई मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स का कोई चीज होने वाला है नहीं। तो अगर आपका एफर्ट्स सही जगह पे सही प्रमाण से सही टाइम पे गिर रहा है तो वो आप जो एफर्ट्स कर रहे हो उसका रिजल्ट्स मिलेगा। और जब वो आप एफर्ट्स डाल रहे हो और ये स्ट्रगल आपके घर वालों को दिख रहा है तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा जरूर। इसलिए जब आपने अच्छी चीजों का जिद पकड़ा हुआ है तो मेक श्योर वो आप घर वालों के पास प्रोजेक्ट जरूर करें, उसका जिक्र जरूर करें, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्हें भी समझ में आए आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि वो आपको एटलीस्ट गाइडेंस दे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो तुरंत सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक बहुत मिडिल क्लास और कॉमन फैमिली में से आया हूं तो हमारे यहाँ पे वैसे इतना इमीडिएटली सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर उतना पोटेंशियलिटी है तो वो आपको जरूर मदद करेंगे। बस वक्त का ही वक्त है, जब वो वक्त आएगा तब वो होगा, वो याद रखना जरूर। इसलिए मैं ये ब्लॉग को ज्यादा लंबा करूंगा नहीं, और ये ब्लॉग वैसे ही बहुत छोटा है, छोटे छोटे ब्लॉग्स लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग उसको प्रेफर करते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स आपको लाकर दे रहा हूँ। अगर ऐसे काइंड ऑफ ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं, मुझे पता है कि पूरा एक हफ्ता चले जाता है मे बी एक मूवी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं उस मूवी की बहुत अलग अलग चीजें हर ब्लॉग में आपके सामने लाकर रखता हूँ। मुझे ये बहुत लंबा ब्लॉग बना के एक ही टाइम पे आपको लाकर देना नहीं है, इसलिए छोटे छोटे ब्लॉग्स आपको लाकर देता हूँ, देखना जरूर। अगर मैं पुराने ब्लॉग्स देखे नहीं है 1917 या फिर दूसरे मूवीज के रिलेटेड, तो ऊपर आई बटन आ रहा है उसको क्लिक कर देना, या फिर आपके एंड स्क्रीन में उसके क्लिप्स आएंगे उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके आप जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इनफ, खत्म। भाई तेरे को कुछ बोलने का है क्या? तुझे जो बोलना था तो मैं बोल दिया, ठीक है फिर उस हिसाब से बताना। तो हमारे भूत भाई साहब भी आपसे बात करेंगे। अदन मदन को पसंद आ रहा है तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और भूलना नहीं, और अपना लाइफ आराम से जीना, मास्क पहनना भूलना नहीं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, डोंट चीट।